आज मैं बेम्बानाड झील के विषय में उसकी विशेषताओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 14 दिसंबर को मैंने हाउस बोट के माध्यम से बेम्बानाड झील का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण क्या, पर्यवेक्षण किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, और उसके विषय में पहले से भी कुछ विषय सामग्री मैंने एकत्रित की थी। आज मैं उससे आपको अवगत कराऊंगा। एक तो बेम्बानाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, 96.5 किलोमीटर फ्रॉम कुमाराकुम इन द साउथ टू द माउथ ऑफ पेरियार रिवर इन द नॉर्थ। यानी बेम्बानाड झील दक्षिण में कुमाराकम, जहां पर हम ताज रेस्ट हाउस में मैं रुका था, से उत्तर में पेरियार नदी के मुहाने अर्थात पेरियार नदी के ईश्वरी तक इस झील की लंबाई 96.5 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है अधिकतम 14 किलोमीटर, कहीं कहीं बहुत संकरी भी हो जाती है। और ये झील जो है रिवर फेड लेक है, इस ये झील जो है नदियों से पूरित झील अर्थात नदियों का जल इसमें आता है, जिसमें इसका जल का आयतन बना रहता है, वॉल्यूम बना रहता है। इसमें बहुत सी नदियां आके गिरती हैं यार, जिनका नाम आपको बताना हमारे लिए उच्चारण करना प्रोनाउंस करना बहुत कठिन लग रहा है। कुछ प्रमुख नदियां जिनका उच्चारण सरल है वो हम नाम आपको गिना दे रहे हैं। एक तो सबसे प्रमुख नदी है पेरियार नदी, दूसरी है पंबा नदी। ये दो नदियों का नाम तो हमको जो है याद है, सरल है प्रोनाउंस करना, बाकी कठिन है। और इस झील के अंदर कई द्वीप आइलैंड भी हैं। इस झील की दो सबसे प्रमुख विशेषता है। नंबर एक, ये झील के दोनों किनारे कंक्रीट एम्बैंकमेंट के बने हुए हैं, यानी दोनों किनारों पर पक्की कंक्रीट की दीवार बनाई हुई है गई है, और उसमें बीच बीच में गेट लगे हुए हैं जिसे खोला और बंद किया जाता है। कब खोला जाता है मैं अभी आपको बताऊं। तो दोस्तों, हमने कुमायूं रीजन की झीलों का तो अवलोकन किया है, लेकिन बाकी देश में अन्य झीलों का हमने अवलोकन नहीं किया है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या और भी झील ऐसी है जो कंक्रीट के एम्बैंकमेंट से युक्त हैं, ये मैं नहीं बता सकता। अगर हो तो आप कृपया कमेंट में उस झील का नाम जरूर बताइएगा। लेकिन ये झील प्रारंभ से लेके यानी कुमाराकम से लेकर के और पेरियार नदी उत्तर में पेरियार नदी के एस्चुरी तक इस झील के दोनों किनारे कंक्रीट एम्बैंकमेंट के बने हुए हैं। ये कंक्रीट का एम्बैंकमेंट जो है क्यों बनाया गया है, तटबंध जिसे एम्बैंकमेंट माने तटबंध क्यों बनाया गया है, क्योंकि झील के जल को दोनों किनारों के तरफ दोनों तरफ, यानी अगर आप दक्षिण से उत्तर की बात करते हैं, जो कि ये झील अरब सागर के समानांतर है, दक्षिण से
दक्षिण में कराकुम कुमाराकुम और उत्तर में पेरियार नदी की ऐश्वरी तक, ये अरेबियन सी के समानांतर है लेकिन तट से थोड़ी दूरी पर है। इसके दोनों किनारों पर जो भूमि है उसमें धान की खेती की जाती है। तो इसलिए बरसात के दिनों में जब नदियों का जल वेम्बानाड झील में आता है तो उसका स्तर उठता है तो उसमें मछलियां भी बहुत आ जाती हैं। तो इसलिए इसके कुछ गेट जो है खोल दिए जाते हैं और ये जल जो है धान के खेतों में पहुंच जाता है जहां पर मछलियों की ब्रीडिंग होती है, प्रजनन होता है और ढेर सारी मछलियां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। और तो एक तो फंक्शन इन गेट का यह है, दूसरा यह है कि झील के जल को धान के खेतों में आवश्यकता से अधिक जाने से रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनाया गया है। और दूसरा जो है, दूसरी विशेषता इसकी जो है, ये हिंदुस्तान की अकेली ऐसी झील है जिसके जल की संरचना फ्रेश वाटर की भी है और सलाइन वाटर की भी है। तो ये समझ ले दक्षिण से तकरीबन दो तिहाई भाग उत्तर तक इसका जल फ्रेश वाटर है क्योंकि नदियों का जल इसमें आके गिरता है। जगह जगह पर कुछ ब्रेक है जिसकी ओपनिंग समुद्र से होती है लेकिन वो मामूली है, अब उसको एम्बैंकमेंट से रोक दिया गया है। लेकिन जहां पर ये झील जो है समाप्त होती है उत्तर में पेरियार नदी के एस्चुरी पर, वहां पर इसका मुंह खुला हुआ है। तो समुद्र का यानी अरेबियन सागर का जल जब टाइड आता है तो टाइडल वेव के माध्यम से झील के अंदर प्रविष्ट हो जाता है और वहीं पर एक बैक वाटर भी बनता है जिसका हमने आपको कुछ दर्शन कराया था। तो वहां पर इसका जल खारा हो जाता है, ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर, साल्ट वाटर। तो वेम्बानाड झील का दो तिहाई से अधिक क्षेत्र जो है ये फ्रेश वाटर ताजे जल का है जिसे मीठा जल कहते हैं, जहां नदियों द्वारा वर्षा का जल लाया जाता है। और इसके सुदूर उत्तरी भाग का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर अरब सागर के जल का प्रवेश होने के कारण जल खारा हो गया। तो ये फ्रेश वाटर लेक भी है और ब्रैकिश वाटर लेक भी है। और ये झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर। और इसकी अधिकतम चौड़ाई जो है 14 किलोमीटर। और अधिकतम गहराई मैक्सिमम डेप्थ इसकी है 12 मीटर। और ये भारत की का बृहत्तम सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वेटलैंड है, तरभूमि है, यानी ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल है 2033 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि दूसरी भारत की बड़ी झील चिल्का झील है जिसका कि सतह का क्षेत्रफल 1165 स्क्वायर किलोमीटर है, 1165 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जबकि वेम्बानाड झील का क्षेत्रफल 2033 स्क्वायर किलोमीटर है। और
इस झील के दोनों किनारों पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। और ये बार बार बता चुका हूं आपको कि नारियल जो है वह केरल के आर्थिक ढांचे का की ये स्तंभ है। यानी नारियल का की भूमिका केरल के आर्थिक ढांचे में बहुत प्रमुख है। तो यहाँ भी वो नारियल के पेड़ दोनों तरफ लगाए गए हैं और जिससे इनको नारियल प्राप्त होता रहता है। तो इस वेम्बनाड झील का अवलोकन मैंने हाउस बोट के माध्यम से 14 तारीख को पूरा किया, जिसका वीडियो और रील मैं आपको पहले ही बना करके भेज चुका। नमस्ते, आज का बस इतना ही। आप सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आपकी सेवा में मैं इस तरह की वीडियो के माध्यम से कुछ भौगोलिक जानकारी परोसता रहूँगा। देखिए, मैं एक फील्ड ज्योग्राफर हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरी दृष्टि जो है वो तीन प्रश्नों पर हमेशा जाती है। वेयर, हाउ एंड व्हाई, कहाँ, कैसे और क्यों। इन तीन प्रश्नों का उत्तर मैं हमेशा खोजता रहता हूँ। केवल तस्वीर खिंचाने के लिए मैं कहीं नहीं जाता। अब एक क्षेत्र है जिसको मैं देखना चाहूँगा और अपने पुत्रों से ये आग्रह करूँगा कि वहाँ एक बार हमें ले चलें, वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मैं देखना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और त्रिपुरा, आसाम, इनके तो बहुत से क्षेत्रों का मैंने दर्शन कर लिया। खास करके मेघालय के कंदरा का भी, मौसवामी कंदरा का भी मैंने दर्शन किया है, अवलोकन किया है। कुछ दूरी तक उसके अंदर गया भी था और चेरापूंजी भी गया और वहाँ पे मौसी राम गया, जो आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड करता है। जलप्रपात कई देखा वहाँ का, ये सब तो देखा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को देखने की इच्छा है। देखें ऊपर वाला कब इस इच्छा की पूर्ति करता है। नमस्कार।